तो गाइस ये है मेरे पास इंस्टॉल्ड एवोल्यूशन एक्स रोम और उसके ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे गूगल कैमरा 8.0 बीटा अपडेट। और अरनोवा की ओर से आपको ये जो जी कैम मिल जाता है बीटा अपडेट के अंदर है, काफी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं इसकी होल यूआई के अंदर। तो सब चीजों के बारे में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी यहाँ पे लाइक जरूर से कर देना। सो हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जीकेम 8.0 अपडेट के बारे में, जो कि पिक्सल 5 डिवाइसेस से जो है पोर्ट किया गया है। कुछ न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको इस गूगल कैम 8.0 का, और रेडमी के नोट 7 प्रो डिवाइस के अंदर मैंने इसको एंड्रॉइड 11 के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको गूगल कैम 8.0 का देखने को मिलता है। यहाँ पे 1x का ऑप्शन मिल जाता है, 2x का ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 1.6x देन 2x का ऑप्शन मिलता है। स्लो मोशन इसके ऊपर डेड है रेडमी के नोट 7 प्रो डिवाइस के ऊपर। आप जैसे ही स्लो मोशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है कैमरा क्रैश हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी टाइम लैप्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 1x और 2x का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30fps तक, और फुल HD 60fps के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ EIS मिलता है या नहीं, बट मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है गूगल कैमरा 8.0 के अंदर, और नोट 7 प्रो के लिए ये हमारे पास रिलीज हो चुका है। अब वीडियो स्टेबलाइजेशन के अंदर आपको गूगल कैमरा 8.0 के अंदर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलता है, लॉक्ड का ऑप्शन मिलता है कुछ इस टाइप से, और एक्टिव का ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे सिनेमैटिक पैन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इस गूगल कैमरा 8.0 के अंदर मिलते हैं। स्टैंडर्ड के ऊपर भी काफी सारी चीजें आपकी वर्किंग है, लॉक्ड के अंदर भी। तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से आप इसको जो है यूज कर पाओगे। काफी अच्छा डिफरेंस मिल जाता है आप अगर इसको कंपेयर करते हो किसी और वर्जन के साथ। पोर्ट्रेट मोड आपका वर्किंग है, फ्रंट कैमरा भी आपका यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो भी आपका काफी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता हुआ आपको मिल जाता है। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको HDR+ इनहेंस्ड मोशन फोटोज, अगर आप HDR+ इनहेंस्ड के अंदर लेना चाहते तो वो आपका यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। मोशन फोटोज आप सिर्फ HDR+ और नॉन HDR के अंदर ही ले सकते हो, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी सेटिंग की अगर बात करें फ्रिक्वेंट फेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। स्टोरेज के अंदर आपको एक लो स्टोरेज मोड मिल जाता है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिवाइस के अंदर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। ये 8.0 अपडेट के अंदर आपको जो है मिल जाता है, पिक्सल 5 से ये पोर्ट किया गया देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉयड 11 के ऊपर काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड्रॉयड 10 का मुझे नहीं पता, बट मैं एंड्रॉयड 11 के ऊपर इसको यूज कर रहा हूं तो इसके ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफी अच्छे से ये कैमरा वर्क करता है। और यहाँ पे आपको एडवांस के अंदर वही काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, नीचे डेवलपर सेटिंग्स मिल जाती है। इसका कोई XML फाइल अभी तक आपको नहीं देखने को मिलता, जैसे ही कोई मिलेगा तो मैं आपको अपडेट यहाँ पे जरूर से कर दूंगा। बस इतने आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। देन आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑडियो जूम का, जो कि 7.6 के अंदर भी आपको मिलता था, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ये ओवरऑल आपको 8.0 का कुछ UI देखने को मिल जाता है, कुछ फीचर्स मिल जाते हैं Redmi के Note 7 Pro डिवाइस के लिए। सो गाइस अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली 7.6 या 7.4 के साथ में भी आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरे पास 7.6 भी मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, और 8.0 मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला 8.0 है। तो दोनों मैं साइमल्टेनियसली यूज कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई इंस्टॉलेशन के अंदर जो है एरर आती है तो आप मेक श्योर करना कि आप एक को जो है इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद इंस्टॉल करके देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे न्यू तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।